अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर इकाई मिश्रिक की तरफ से सौंपे गए ज्ञापन को यदि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने संज्ञान में लिया तो कईयों की गर्दन फंसना तय माना जा रहा है। दरअसल शनिवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नैमिषारण्य पहुंचे थे तब लखनऊ वापस जाते समय उन्होंने मिश्रिक के दधीच कुंड पहुंचकर दर्शन और पूजन किया था। इस दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर मिश्रिक इकाई के अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा ने डिप्टी सीएम को ज्ञापन सौंप कर महर्षि दधीच की तपोभूमि पर व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाओं से रूबरू कराया था। यही नहीं, नगर क्षेत्र में 42,62,000 से निर्मित अंत्येष्टि स्थल के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की शिकायत भी की थी। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने शिकायतकर्ता व्यापार मंडल अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा से जाना तो उन्होंने ज्ञापन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी देते हुए बताया, हम मौजूद हैं आज मिश्रिक तीर्थ दधीच कुंड पर, जहां पर पहली बार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी विशेष आग्रह पर दधीच कुंड पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किया। वहीं पर व्यापार मंडल के अखिल भारतीय व्यापार मंडल मिश्रिक नगर इकाई के अध्यक्ष हरि प्रसाद वर्मा ने मिश्रिक की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिश्रिक कस्बे में बहुत ही गंदगी व्याप्त है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। यही नहीं, जल के दोनों टेबल खराब हैं, जिससे पानी की किल्लत भी हो रही है। और आपको बता दें कि मिश्रिक तीर्थ में उन्होंने बताया कि कोई भी विकास अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही अंत्योष्ट स्थल पर जो पैसा खर्च हुआ है 42 लाख के लगभग, उसका भी कोई हिसाब नहीं किया गया, ना ही पूरा विकास किया गया है अंत्योष्ट स्थल का। उन्होंने एक पत्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंप कर इस पर जांच कराए जाने की मांग की है। हमने सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, नालियों से बदबू आ रही है, गर्मियों का मौसम होने के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका है। पानी के दोनों बड़े ट्यूबवेल कई महीनों से खराब होने के कारण नगर में समुचित जलपूर्ति नहीं हो पा रही है। हर वार्डों में जल इंडिया मार्ग का नल लगभग खराब होने के कारण नगर में जल की बहुत बड़ी किल्लत हो गई है। नगर पालिका में जो ग्रांट वेतन की आती है, इसका धन निकाल के फर्जी बिल वाउचर बनाकर उल जुलूल खर्च किया जाता है, जिससे सफाई कर्मियों का वेतन समय से न मिल पाता है। नगर पालिका परिषद मिश्रिक नैमिषारण्य तीर्थ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। नगर पालिका परिषद की जांच करा के सख्त कार्रवाई की जाए। उसमें समस्याएं हैं कि मैं अंत्येष्टि स्थल का व्यवस्थापक हूं, 42,62,000 में एक इंटरलॉकिंग का प्लेटफार्म बना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बना है। बनवाना था शमशान घाट में उत्तर की दीवार, पक्का तालाब, सुंदरीकरण कमरा, चौकीदार व लकड़ी रखने का कमरा व फूल अस्थियों सुरक्षित रखना, स्टोर रूम कमरा, लेटरिन बाथरूम, समर सेबल टेबल व पानी टंकी, दीवार पर कटीले तार, गेट व अंत्येष्टि स्थल में टीन सेट या स्लेब का निर्माण कार्य होना था। शासन से हमारी मांग है कि न्याय, उचित न्याय देकर भ्रष्टाचार की कार्रवाई की जाए। हरि प्रसाद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल मिश्रिक तीर्थ, जनपद सीतापुर। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट।